जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा नहीं को, दर हकीकत वो जिंदा है मगर तुम्हें इदराक नहीं। नाज़रीन, ये कह लेना, ये सुन लेना बहुत आसान है कि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जवान और ऑफिसर अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहीद हो गए, लेकिन आज भी इन फैमिलीज़ से पूछिए जो उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन फैमिलीज़ को बड़ा फ़ख्र है अपने शहीद पे, क्योंकि ये शहादत लाखों में से किसी किसी के हिस्से में आती है। 4 अगस्त योम शहदाए पुलिस, आज पूरी कौम पंजाब पुलिस के तमाम यूनिट्स, CTD, ट्रैफिक, डॉल्फिन, हर यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश कर रही है। आज मैं मौजूद हूँ पंजाब पुलिस के शहीद कैप्टन मुबीन शहीद के घर। आइए उनकी वालदा से उनके बारे में पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, लाखों का डिपार्टमेंट लेकिन ये शहादत किसी किसी को मिलती है, कैप्टन साहब के क्या रंग थे, क्या वस्फ थे, क्या खूबियाँ थी कि शहादत उनके हिस्से में आई? खूबियाँ तो ये थी कि हर एक बंदे के काम आना, मुलाजिम जो घर के हैं या ड्राइवर अंदर कोई आया तो मुझे ताकीद थी, हमें अंदर खाने पीने की चीज़ बारे में पहले ड्राइवरों को दो, ड्राइवरों के लिए भिजवा दिया करें, बुरा लगता है ना कि हम लोग खाएँ ना, उनका अच्छा ठीक है। उसके बाद ये है कि हर बात उसने निराली थी उसकी, जाने वाला नहीं, लेकिन उसको पता था मैंने जाना, उसको पता था। किस तरह? उसको कहता था वो शहादत से 2-3 दिन पहले अहमद उसका दोस्त है उसके घर लेके गया वो मोहम्मद ताहा को, छोटे को, उसको कहता मुझे यार, उसने कहा तुम आज दास मुबीन क्यों हो? तो कहने लगा यार मुझे 2 चीज़ों की बड़ी फिक्र है, एक मेरी माँ की और एक मोहम्मद ताहा की। तो तीसरे दिन चला गया, और उसको वैसे थ्रेड बहुत थे ना, बिल्कुल थ्रेड बहुत, बचपन से ही बहुत बहादुर थे, निडर थे। हाँ, न डर था बिल्कुल न डर, लेकिन कहना मानने वाला बेटा, सुनने वाला बेटा, हर एक के साथ काम आने वाला बेटा। आपने कहा उन्हें थ्रेड्स थे, लेकिन एक माँ के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा जब उन्हें डेली रवाना करना ड्यूटी के लिए, पूरा दिन फिक्रमंदी में गुजरता होगा। मैं तो उसको जब मैं मुझे खुदा पे कहने आता था, मैं कहती थी अल्लाह तेरी चीज़ तेरी है वाले। पुलिस डिपार्टमेंट अपने शहदा का बहुत ख्याल रखती है, कैप्टन साहब के बाद फैमिली की वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कितना ख्याल रखा गया फैमिली का? हमारा तो मैं कहती हूँ इस महकमे ने जिस तरीके से साथ दिया ना खुदा ताला, मैं कहती हूँ मट्टी को हाथ लगाए तो सोना, इस तरह इस महकमे ने हमको हाथ अभी तक उठाया। माँ जी, मुबीन साहब जब हयात थे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी, बड़े फर्ज शनाज अफसर थे, अल्लाह ताला ने फिर एक शहादत का रुतबा भी दे दिया, किन अल्फाज में याद रखती हैं, किन यादों से उन्हें याद करती हैं? मेरे कमरे में तस्वीर है, एक साइड पर लगाई हुई मैंने मुबीन की, एक तस्वीर का तो ये लगता है मुझे जैसे अभी वो निकल के ना तस्वीर में से निकल के आ जाएगा, सलाम करेगा और कमरे में चले जाएगा। बेटे बेटे 3 साल मैंने जिस तरह तन्हाई में काटे हैं, जिस तरह मैंने किया, आपको नहीं जानता, खुदा ना करे कि आप लोग ये बीते, लेकिन ये कि बस बीत रही है हमारे ऊपर। माँ जी, फ़ख्र तो बहुत होगा आपको उनकी शादी, जाहिर है फ़ख्र क्यों नहीं होगा, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, सब वो यही तो कहते हैं कि दुनिया में इतने लोग आए हैं और कोई फौत हो गया, कोई ये हो गया, शहीद हुआ, मुबीन जैसी इज्जत किसी ने नहीं पाई, जो मुबीन को इज्जत मिली ना तो किसी को भी नहीं मिली। कैप्टन मुबीन शहीद की तरह दूसरे फैमिलीज जो हैं हमारे शहदा की, उनको क्या कहेंगे, कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे? दो थे इनके साथ जब मुबीन शहीद हुआ, वो दो लड़के थे, एक की शादी को 15 दिन हुए थे और एक वो बच तो गए अल्लाह का शुक्र, एक उसमें से शहीद हुआ था, मैं उसके एक उकाड़ा जाना था, फिर एक कसूर जाना था, तो मुबीन के दोस्त ने ना पैसे दिए थे कि अम्मी ये अपने हाथ से आपने दे दी, मुझे किसी से तसल्ली नहीं होगी, मुबीन की तरफ से ये आपने तीनों को जाके उस, फिर मैं जाके सारा वही काम किया जिस तरह उसके दोस्त की मंगाई, दोस्तों ने सारा, मैं कहती हूँ किस तरह दिया है मैं कुछ नहीं आपको बता सकती, अल्लाह ताला
डॉक्टर काजी ने, अहमद ने, इमरान ने और कितने ही हैं भाई। ये तो वो है ना जिन्होंने बिल्कुल ही अंदर आकर बिल्कुल, और जो महकमे वाले वो तो नाम भी ले लो तो इज्जत के साथ के सलाम सल्यूट पर।